नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देवभूमि उत्तराखंड में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अच्छा, दोस्तों आज आपको ले चल रहा हूँ उत्तरायणी मेले बागेश्वर पार्ट सेकंड वीडियो, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ लाइव। जो जरूर जुड़े देवभूमि उत्तराखंड से। जितना बेटों से उतना बेटियों से कौन कौन करता है? बेटियां के लिए झूठ बोल रहे पापा मेरे। कहते हैं भक्तों, ध्यान से सुनना मेरी ये वंदना। जिसका एक भाग्य होता है उसके घर में बेटा पैदा होता है, और जिसके 100 भाग्य होते हैं उसके घर में बेटियां पैदा होती है। क्या बात है। इसीलिए जब आशीर्वाद देते हैं ना, तो बेटे से कहते हैं चिरंजीवी रहो, और बेटी से कहते हैं सौभाग्यशाली रहो, सौभाग्यवान रहो बचपन में। लेकिन बेटियां ये तो केवल कहने की बातें हैं, डेफिनेशन बता दो। असलियत क्या है? बेटियां होती है चिड़िया, बेटियां होती है चिड़िया, लेकिन उनके पर नहीं होते पर पंख। बेटियां होती है चिड़िया, लेकिन उनके पर नहीं होते, उनके मायके ससुराल होते हैं, अपने घर नहीं होते। पैदा होती है तो माँ कहती है इसे पराए घर जाना है, शादी होती है तो सास कहती है ये पराए घर से आई है। बोल सच्चे दरबार की, अपना घर आपकी बेटियों के लिए बहुत सुंदर सा। अच्छा, जब किसी का बच्चा होने वाला होता है ना, पहले तो शादी होती है, पड़ोसी अब हो जाना चाहिए, अब तो हो जाना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं हुआ, अब तो हो जाना चाहिए। अच्छा अच्छा हो रहा है तो उसके बाद 9 महीने परेशान पड़ोसी, क्या होगा, लड़का होगा लड़की होगी, परेशान पड़ोसी होगा क्या इसके घर में। अब जिस दिन बच्चा हुआ महिला हॉस्पिटल में है, पड़ोसी चौपाल लगा के बैठे हैं, जाने क्या होगा, लड़की होगी। इतने में आ गई सासू माँ, अम्मा अम्मा से पूछो क्या हुआ, अम्मा से पूछने की जरूरत ही नहीं, अम्मा की चाल बता देगी कि हुआ क्या है। देवभूमि उत्तराखंड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और जुड़े रहे उत्तरायणी मेले की पूरी जानकारी के लिए देवभूमि उत्तराखंड से। #देवभूमि उत्तराखंड या #उत्तरायणी मेले को फॉलो कीजिए।